सेठ दुर्गादास और उनकी पत्नी लक्ष्मी माँ दुर्गा के परम भक्त थे। वे सदैव ही वीरपुर गांव में नवरात्रि के अवसर पर गांव में एक विशाल कन्या पूजन आयोजित करते थे, जिसमें गांव की सभी कन्याओं को बुलाया जाता था। सुनो जी, अनिल और बहू को फोन मिला लेते, क्या पता इस बार बहू कन्या पूजन में आने के लिए मान जाए। हम हर साल कन्या पूजन करते हैं, पर अनिल की शादी को 6 साल हो गए हैं। बहू कभी भी कन्या पूजन के अवसर पर गांव में नहीं आई। मैं सोच रही थी एक बार बहू माँ दुर्गा के नाम का कन्या पूजन अपने हाथों से कर ले। मेरा मन कहता है माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हमारी बहू की झोली में भी बच्चा जरूर खेलेगा। लक्ष्मी, तुम जानती हो सुनीता बहू माँ दुर्गा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती है। साल में 2 बार नवरात्रि अवसर पर हम कन्या पूजन रखते हैं, पर बहू कभी भी नहीं आती है। हमेशा कोई ना कोई बहाना करके टाल ही देती है। इस वजह से मैं अनिल से भी कुछ नहीं कहता। एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्या पता बहू आ जाए। पत्नी के कहने पर दुर्गादास ने बेटा बहू को फोन मिलाया और गांव आने के लिए कहा। सुनीता, हर बार ही माँ पापा हमें कन्या पूजन के लिए गांव बुलाते हैं, हम कभी भी नहीं गए। यहाँ शहर में तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। चलो ना, इस बार हम गांव ही चलते हैं। बहुत समय से मन है माँ पापा से मिलने का। ठीक है, चल लेंगे, पर मुझसे ज्यादा मत कहना ये पूजा पाठ करने के लिए, ये सब मेरे से नहीं होता। हाँ हाँ, तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, जैसा तुम्हारा मन हो वैसे रहना। चलो मैं फोन कर देता हूँ, है ना, कि हम आ रहे हैं। अनिल जानता था कि सुनीता का मन किस वजह से खराब है। सुनीता की सारी सहेलियां माँ बन चुकी थी और अपने बच्चों को गोद में खिलाती थी, इसी वजह से सुनीता का मन बहुत खराब रहता था। उसका भी मन था कि वो माँ बने और उसकी गोद में भी बच्चा खेले, पर बड़े से बड़े डॉक्टर सुनीता को यही बोल चुके थे कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। इस वजह से सुनीता पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। अनिल और सुनीता गांव पहुंचते हैं। बेटा बहू को आया देख दुर्गा दास और उनकी पत्नी लक्ष्मी बहुत खुश होते हैं। बहू, माँ दुर्गा में बहुत शक्ति है, तुम हमारे कहने पर एक बार अपने हाथों से माँ दुर्गा का कन्या पूजन करो, कन्याओं को भोग खिलाओ, देखना माँ दुर्गा तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी, वो तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। माँ शेरावाली अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती हैं, बस श्रद्धा और विश्वास के साथ एक बार सच्चे मन से उन्हें याद करना। ममता मई माँ दुर्गा अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती। माँ जी, जब बड़े बड़े डॉक्टर मना कर चुके हैं कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो माँ जी कन्या पूजन करने से क्या हो जाएगा? मैं कैसे विश्वास कर लूं? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं माँ दुर्गा का कन्या पूजन करूं और मैं माँ बन जाऊं? बहू, यही तो माँ दुर्गा की शक्ति है। जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तो एक वही है जिनका द्वार अपने भक्तों के लिए सदैव खुला रहता है। एक बार सच्चे मन से पुकारो तो माँ दुर्गा भक्तों की सारी परेशानियां दूर कर देती हैं। लक्ष्मी, अनिल, सुनीता बहू, चलो कन्या पूजन का समय हो रहा है, हमें मंदिर में कन्याओं को प्रसाद बांटना है। सुनीता, जब सब इतना कह रहे हैं तो एक बार चलने में कोई हर्ज नहीं है, अब चलो पापा बुला रहे हैं। सबके कहने पर सुनीता मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती है। सब लोग मंदिर पहुंचते हैं, कन्या पूजन शुरू होता है। सेठ दुर्गादास, उनकी पत्नी लक्ष्मी और अनिल भक्तों के साथ मिलकर कन्या पूजन का प्रसाद बांटते हैं। सुनीता मंदिर में खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, उसने अभी तक प्रसाद बांटने में हाथ नहीं लगाया था। आंटी जी, मुझे हलवा नहीं मिला, मुझे हलवा खाना है। हाँ हाँ, मैं देती हूँ, रुको मैं लेकर आती हूँ। सुनीता उस छोटी सी प्यारी सी कन्या के लिए हलवा लेकर आती है। जैसे ही सुनीता उस बच्ची को हलवा देती है, वैसे ही वो बच्ची सुनीता को एक फूल देती है। आंटी, आप मेरे लिए हलवा लाए, ये लो मैं आपके लिए फूल लाई हूँ, इसे अपने पास रखना। मेरे लिए? ये फूल तो बहुत सुंदर है, कितनी प्यारी बच्ची हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दुर्गा है। सुनीता बच्ची का नाम सुनकर चौंक गई। वो एक पल के लिए उस बच्ची को निहारने लगी और अचानक वो बच्ची वहाँ से गायब हो गई। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि सुनीता समझ ही नहीं पाई और वो घबरा कर बेहोश हो गई।
तभी सब लोग उसे घर ले आते हैं। अनिल पड़ोस में रहने वाली एक लेडी डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर सुनीता का चेकअप करती है और सबको एक खुशखबरी मिलती है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। क्या, हमारी बहू माँ बनने वाली है? सुनीता बहू, तुम माँ बनने वाली हो। माँ जी, पापा जी, आप बिल्कुल ठीक कहते थे। माँ दुर्गा सचमुच सबकी झोलियाँ खुशियों से भरने वाली है। आपको पता है, माँ दुर्गा ने मुझे खुद दर्शन दिए। ये सब उन्हीं के चमत्कार से हुआ है। उन्होंने मुझे एक फूल दिया था, वो फूल। ये रहा वो फूल। सुनीता, जब तुम बेहोश हुई थी तुम्हारे हाथ में था, मैंने संभाल कर रख लिया था। सुनीता सारी बात बताती है। जय माँ दुर्गा, आपने मेरे बच्चों के जीवन में खुशियां ला दी, आपकी सदा ही जय हो माँ। सब मिलकर माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाते हैं और माँ दुर्गा को धन्यवाद कहते हैं। उस दिन के बाद सुनीता ने भी माँ दुर्गा की शक्ति पर विश्वास कर लिया। कुछ महीनों बाद सुनीता एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और अपनी बेटी का नाम दुर्गा रखती है। सुनीता के जीवन में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से खुशियां आई थी। दुर्गा माता की जय। चलो, पूजा संपन्न हुई, अब बताओ कैसी हो तुम दोनों? मैं ठीक हूँ चित्रा, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ बहन। अरे जया, क्या हुआ, किस सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं, बस मन में प्रार्थना कर रही हूँ कि आज तो कोई क्लाइंट आ जाए। बिजली का बिल भरना है, माँ की दवाइयाँ लानी है। बहुत जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पर और काम धंधा चौपट हुआ पड़ा है। तुम फिकर मत करो, दुर्गा माता सब ठीक करेंगी। जब मेरे पति की मौत हुई थी तब मुझे भी लगता था कि मैं कैसे सोनू और मोनू को अकेले पाल पाऊंगी, लेकिन मुझे माता रानी ने ही हिम्मत दी। और देखो, आज छोटा मोटा ढाबा चलाकर किसी तरह गुजारा हो ही जाता है। सही बात है, हम भी तो गरीबी की चक्की में पिस रहे थे, माँ की कृपा हुई और देखो आज मेरे पास सरकारी नौकरी है। ये कहानी माँ दुर्गा की इन तीन भक्तों की है, चित्रा, सुधा और जया। तीनों माता की बहुत बड़ी भक्त थी। कुछ भी हो जाए लेकिन तीनों माँ के मंदिर आना नहीं भूलती थी। माता रानी के मंदिर में ही इन तीनों की मुलाकात हुई और फिर दोस्ती भी हो गई। चित्रा एक छोटा सा ढाबा चलाती थी, वो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती थी और अपना ढाबा चलाकर अपने परिवार का पेट पालती थी। सुधा की नौकरी जेल में थी, वो वहाँ पर प्रहरी का काम करती थी, जबकि जया ने वकालत की पढ़ाई की हुई थी, मगर उसके पास केस ही नहीं आते थे। यही कारण था कि उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। ऐसे में चित्रा और सुधा हमेशा उसे हिम्मत बंधाती थी और कभी कभार उसकी मदद भी कर दिया करती थी। फिर एक दिन जब चित्रा अपने ढाबे पर माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी, तभी उसके ढाबे पर काम करने वाला केशव भागा भागा उसके पास आया। दीदी सुनो ना। रुक, पहले ये प्रसाद को और अब बोल। दीदी लगता है माता रानी ने आपकी सुन ली। मतलब? देखो दीदी, वो जो नदी के पास होटल है ना, बड़ा सा। कौन सा? वो रिवर व्यू होटल? हाँ दीदी वही। उन्हें अपने होटल के लिए एक बढ़िया सा शेफ चाहिए और उसके लिए वो एक प्रतियोगिता करा रहे हैं, जिसे जीतने वाले को वो अपने होटल में शेफ का काम देंगे और अच्छी पगार भी। अरे वाह केशव, क्या खबर लाया रे। मैं दिन रात एक कर दूंगी लेकिन वो प्रतियोगिता जीत कर दिखाऊंगी। बस माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। चित्रा अपने स्वादिष्ट खाने के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। सभी लोग उसके हाथ के स्वाद के कायल थे, सिवाय उसकी पड़ोसन दिव्या के। वो हमेशा ही उससे चिढ़ती थी। होटल की प्रतियोगिता वाली बात जब दिव्या को पता चली तो उसने सोचा, चित्रा की बच्ची, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे तो मैं जीतने नहीं दूंगी। जीतना तो दूर, मेरे रहते तो उस प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं ले पाएगी। एक तरफ दिव्या चित्रा के खिलाफ जाल बुन रही थी तो दूसरी तरफ सारा दिन बीत जाने पर भी जया के पास कोई केस नहीं आया। उसने मायूस होकर अपना केबिन बंद किया और मन में सोचने लगी, आज भी कोई केस नहीं आया, केबिन का किराया भी देना है, माँ की दवाइयाँ भी ले जानी है। उफ़, कैसे हो पाएगा सब कुछ, हे माँ कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे। जया पैसों की किल्लत से जूझ रही थी तो वहीं जेल में सुधा भी परेशान थी। नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद सुबह के वक्त वो जेलर के आने का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ ही देर बाद, जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ कहो। सर मैं प्रहरी सुधा हूँ, बैरक नंबर 3 और 4 में मेरी ड्यूटी है। हाँ तो? सर वो नवरात्रि आ रही है तो छुट्टी चाहिए थी। क्यों, छुट्टी लेकर क्या करोगी? सर वो माँ की चौकी सजानी है और। देखो इन सब कामों के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। अच्छा तो सर बस नवमी के ही दिन की छुट्टी दे दीजिए। जाओ यहाँ से, कहा ना छुट्टी नहीं मिलेगी। जी सर, जय हिंद। सुधा अपना सा मुँह लेकर जेलर के कमरे से बाहर निकल आई। जया और सुधा जहाँ दुखी और परेशान थे तो वहीं चित्रा कुकिंग कॉम्पिटिशन को लेकर उत्साहित थी।
लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले जब चित्रा पूजा पाठ के लिए अपने घर की सफाई कर रही थी, तभी उसके घर के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। हाँ जी कहिए। तुम्हारा नाम चित्रा है? हाँ जी, पर हुआ क्या है? बैठो, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने चित्रा को धक्का दिया और दो तीन पुलिस वाले चित्रा के घर में रखे सामान को उलट पलट कर देखने लगे। और फिर ये नशीली दवाइयों की पेटी कहाँ से ली तुमने और कहाँ बेचती थी ये सब नशे का सामान? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब। इस पेटी में क्या है और ये मेरे घर में कैसे आई मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो पूरी ईमानदारी से अपना छोटा सा ढाबा चलाती हूँ साहब। अच्छा तो ठीक है, फिर अब जेल में अपने जैसे कैदियों के लिए खाना बनाना। पुलिस चित्रा को पकड़ कर ले गई। उधर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी चित्रा की पड़ोसन दिव्या मुस्कुराने लगी। असल में ये उसी की चाल थी। दिव्या का पति मेडिकल स्टोर पर काम करता था और चित्रा के घर में वो नशीली दवाइयों की पेटी दिव्या ने ही रखी थी ताकि चित्रा प्रतियोगिता में हिस्सा न ले पाए। फिर उसी रात जेल में। चित्रा तुम यहाँ कैसे? क्या बताओ बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। चित्रा ने रोते रोते सुधा को सारी बात बता दी। चित्रा के साथ जो हुआ उसे सुनकर सुधा की आंख में भी आंसू आ गए। तब चित्रा ने कहा, सुधा मेरे बच्चों को केशव के घर छोड़ देना बहन, मेरे पीछे वो उनकी देखभाल करेगा। एक माँ को अपने बच्चों की कितनी फिक्र होती है ना, पर माता रानी पता नहीं मेरी परीक्षा क्यों ले रही है। क्या हुआ? हमारा जेलर बहुत खड़ूस है। मैंने उससे नवमी की छुट्टी मांगी तो उसने साफ मना कर दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अष्टमी या नवमी पर मैंने कन्या पूजन नहीं किया हो, लेकिन इस बार। चिंता मत करो सुधा, देखना माता रानी सब ठीक करेंगी। माँ दुर्गा की ये तीनों भक्त बहुत परेशान थी और ये देखकर दुर्गा माँ को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उनके पास नारद मुनि प्रकट हुए। नारायण नारायण, प्रणाम माते। माते ये कैसी व्यथा है? आपकी तीनों भक्त परेशान हैं, उन्हें आपकी कृपा की आवश्यकता है। आप चिंता न करें ऋषिवर, इनके दुखों का अंत निकट है और इसके लिए मुझे धरती लोक पर जाना होगा। जय हो माता रानी की जय हो, नारायण नारायण। नवरात्रि के दिन चल रहे थे और माता रानी की तीनों भक्त अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रही थीं। लेकिन तीनों में से किसी ने भी माँ दुर्गा पर अपना विश्वास नहीं खोया था। सुधा ने जेल में ही माता रानी की चौकी सजा ली थी और नवरात्रि के पूरे व्रत भी रख रही थी। फिर अष्टमी के दिन जब सुधा माता रानी की पूजा कर रही थी, तब अचानक माँ दुर्गा की मूर्ति से तेज प्रकाश निकलने लगा, जिसे देखते ही सुधा की आंखें बंद हो गई। और फिर आंखें खोलो पुत्री। माँ आप साक्षात माँ दुर्गा मेरे सामने। मैं तो धन्य हो गई माँ। तुम्हें तुम्हारे काम से अवकाश नहीं मिला तो क्या हुआ, देखो मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई। सुधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने माँ की आरती की और उनके चरण स्पर्श किए। और फिर पुत्री मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता की? मैं एक तुच्छ प्राणी क्या कर सकती हूँ आपके लिए। चित्रा को यहाँ से बाहर निकालना होगा, मैं उसका रूप लेकर यहाँ रहूँगी और तुम्हें उसे इस कारागार से बाहर निकालना होगा ताकि वो कल होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके और अपना स्वप्न पूर्ण कर सके। जो आज्ञा माँ। माँ दुर्गा अपने साक्षात रूप में सुधा के साथ चित्रा के पास पहुँची, जहाँ चित्रा दीवार पर माँ की तस्वीर बनाकर उसकी पूजा कर रही थी। तभी सुधा ने चित्रा को पुकारा, चित्रा चित्रा देख जरा हमसे कौन आया है मिलने, साक्षात माता रानी। क्या ये सच है? क्या ये मैं कोई सपना देख रही हूँ? मैं तो धन्य हो गई माँ आपके साक्षात दर्शन पाकर। अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं पुत्री, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। अब मैं तुम्हारे लिए उस प्रतियोगिता में भोजन तो नहीं बना सकती, क्योंकि वो बाकी प्रतिभागियों के साथ सही नहीं होगा। भोजन तो तुम्हें स्वयं ही बनाना होगा, किंतु तुम्हारे स्थान पर यहाँ जरूर रह सकती हूँ, वो भी तुम्हारे ही रूप में। नहीं माँ, भाड़ में गई ऐसी प्रतियोगिता जिसके लिए आपको यहाँ जेल में रहना पड़े। तुम भी तो एक माँ हो ना, और अपने बच्चों के लिए कितने कष्ट सहती हो, तो मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। चिंता मत करो, कल से ही जया कोर्ट में तुम्हारा केस लड़ेगी, मैं खुद उससे मिलकर आई हूँ, वो तुम्हें अवश्य ही निर्दोष साबित करेगी। इसके बाद दुर्गा माँ ने चित्रा का रूप लिया और उसकी जगह जेल में बैठ गई। फिर चित्रा और सुधा ने उन्हें प्रणाम किया और सुधा ने चुपके से चित्रा को जेल से बाहर निकाल दिया। अगले दिन चित्रा ने प्रतियोगिता में अपने बच्चों के लिए और जया ने कोर्ट में चित्रा के लिए पूरी ताकत लगा दी। चित्रा ने अपने हुनर से प्रतियोगिता जीत ली तो वहीं जया ने भी चित्रा को कोर्ट से जमानत दिलवा दी। फिर उसी शाम तीनों एक साथ मंदिर पहुँचे, जहाँ कोई नहीं था। उन्होंने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और माँ ने अपने साक्षात रूप में फिर से तीनों को दर्शन दिए।
माता रानी की जय हो। पता है माँ, आपकी कृपा से चित्रा का केस जीतते ही मेरे पास ढेरों लोग आने लगे हैं। अब मेरे पास कोई कमी नहीं रही। मेरी बच्चियों, तुम सबके दुख भरे दिन दूर हुए। अब ऐसे ही हंसी खुशी से जीवन बिताओ और एक दूसरे की मदद करते रहो। दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय।